आप देख रहे हैं इंडिया की आवाज़ आप तक। आप हमारे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें व Facebook पेज को फॉलो करें। धन्यवाद। ताजपुर नगर परिषद क्षेत्र में वार्ड 15 से उम्मीदवार हैं वार्ड पार्षद के अमरनाथ शाह, जो इससे पहले भी राजनीति में बहुत सारा वर्क किया है। इन्होंने पूर्व उप प्रमुख के रूप में अपना योगदान दिया है, विकास की कई योजनाएं इन्होंने कराया है और आज वार्ड पार्षद के उम्मीदवार भी हैं। इनसे हम जानेंगे कि अब पहले पंचायती राज की व्यवस्था थी, आज नगर परिषद हो गया, तो इसमें इनके अपने क्या सपने हैं, शिक्षा को लेके, रोजगार को लेके, सड़क नाला को लेके, जो बहुत बड़ी समस्या है इस नगर परिषद क्षेत्र में। क्या सपने हैं वार्ड को लेके, वार्ड में किस तरीके का विकास का काम आप कीजिएगा, इससे पहले भी आप राजनीति में रह चुके हैं। जी, मेरा नाम अमरनाथ शाह हुआ। मैं 2006 में अपनी पत्नी को पंचायत समिति लड़ा के उप प्रमुख बनवाया, और फिर यहाँ के जनता 2011 में पुनः जीता के पंचायत समिति के पद पर संभावित किए। और अभी जो ताजपुर नवगठित नगर पंचायत हुआ है, तो अभी नवगठित ही हुआ है, यहाँ के अभी माने समस्या का अंबार लगा हुआ है। जैसे कि समस्या का अंबार लगा हुआ है, यहाँ नली गली माने अभी नाली का नहीं है व्यवस्था, जल निकासी का व्यवस्था नहीं है। हमारे वार्ड 15 से काली पोखर जो ताजपुर प्रखंड का सबसे बड़ा पोखर हुआ करता था, जो वर्षा के पानी के जमाव से वहाँ के जो अगल बगल के रहने वाले हैं उसका जीना दुर्लभ हो जाता है। उसका सबसे बड़ी समस्या काली पोखर का जल निकासी का है। मैं जीत के आऊँगा तो सबसे पहले काली पोखर का जल निकासी का व्यवस्था करूँगा। नहीं तो बहुत हैं, कहने के लिए तो बहुत आदमी चाहेगा, लेकिन जो धरातल पर आएगा उसको मैं पुरजोर कोशिश करूंगा कि जो सरकार के द्वारा योजना आए, जो मेरे बाढ़ क्षेत्र में बहुत से काम हो और वहाँ से मैं काम करूँगा। समस्या और है, प्लान जैसी समस्या से लोग जूझ रहे हैं, इस पे कैसे काबू पाइएगा? जब यहाँ का जो व्यवस्था होगा, नगर परिषद का जो यहाँ का चुनाव होगा, यहाँ के जो कमेटी होगा उसकी कमेटी के माध्यम से बहाली होगा, सुपरवाइजर हो चाहे जिस तरह का, बहुत ही योजना सब आएगा, रोजगार के अवसर खुलेंगे, उसमें अपने पुरजोर ताकत से उस माने हमारे जो बाढ़ का जो युवा को नौकरी के दिलाने का प्रयास करेंगे। जनता से ही चाहता हूँ कि हमको 2006 से मौका दिए हैं, इस बार भी मौका देंगे, और मेरा जो सपना है माने आदर्श बाढ़ बनाना, वार्ड नंबर 15 को, उनके सपनों को साकार करना, जनता के सपने को साकार करना मेरा सबसे पहला काम होगा।